प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का शगुफा छोड़ दिया है, लेकिन उनके इस आदेश के खिलाफ देश भर के हजारों युवा सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि इस बार प्रदेश सरकार जिस तरह से नौकरियां बांटने की योजना बना रही है उस हिसाब से बेरोजगारों को नौकरी जरूर मिलेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लाखों नौजवान बेरोजगार भी हो जाएंगे। क्यों है ना अजीब बात, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं ये प्रतापगढ़ की हैं। ये लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये सभी ना तो टीचर हैं ना ही किसी और विभाग के अभ्यर्थी, बल्कि ये सभी CSC यानी की कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले संचालक हैं, जिसे हम आमतौर पर जन सेवा केंद्र के नाम से भी जानते हैं। करीब करीब पूरे प्रदेश में जन सेवा केंद्र के संचालक इस वक्त यूपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इन सभी का आरोप है कि सरकार पिछले 8 सालों से इनसे फ्री में काम करवा रही है और जब फायदा मिलने की बात आई तो सरकार उनकी जगह दूसरों को नियुक्ति के लिए तैयारी कर रही है। हम लोग अभी तक जो है सरकार की जितनी भी काम आते थे हम लोगों से फीडिंग कराया जाता था और सारे काम कराए जाते थे, जिसमें कुछ का शुल्क दिया जाता था, कुछ निःशुल्क कराए जाते थे। और काफी दिनों से हम लोगों से वाईफाई चौपाल का 2017 से पैसा लिया गया है 11,800 रुपया, ये कह करके कि आप लोग ये सरकारी काम फ्री में करते रहिए, कभी भी नियुक्ति आएगी तो आप लोगों को पंचायत भवन में नियुक्ति किया जाएगा और सरकारी कार्य आप लोग ही करेंगे। और आज जो है जब ये समय आया है तो उस समय जो है नए विज्ञप्ति निकाली गई, नए लोगों को भर्ती किया जाना है। हम लोगों का वहाँ पास में कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। धीरे धीरे हम लोगों को ई स्टोर पर ला करके परचून वाली दुकान खोलने पर ला दिया गया है कि आप लोग ये काम करिए, जबकि हम लोगों ने ये काम के लिए CSC नहीं लिया था। अगर ये काम करना होता तो हम लोग गोमती अलग से खोल लेते। इस प्रदर्शन को समझने से पहले मसला समझना जरूरी है। दरअसल हर ग्राम सभा में सरकार के सपोर्ट से जनसेवा केंद्र की शुरुआत की गई। इस जनसेवा केंद्रों में आए प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और इस तरह के तमाम कागजात बनाने की सहूलियत दी गई है। सरकार डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए इन CSC सेंटर्स को प्रमोट करती रही। सरकार के सपोर्ट से लाइसेंस मिल गया और संचालकों ने अपने अपने सेंटर्स खोल दिए, लेकिन सरकार ने हर कागज और हर काम के लिए फीस तय कर दी, जिससे सभी का मुनाफा भी कम हो गया। वहीं दूसरी तरफ इन संचालकों का आरोप है कि सरकार पिछले 8 सालों से इनसे कई तरह के काम बिल्कुल फ्री में करवा रही है, चाहे डिजिटल चौपाल हो या फिर गांव में दूसरी तरह के जागरूकता कार्यक्रम। हर चीज में CSC सेंटर को जिम्मेदार बनाया जाता है और बिना किसी मानदेय के मुफ्त में काम करवा लिया जाता है। CSC संचालकों की माने तो इन्हें हमेशा यही कहा गया है कि आने वाले वक्त में इन सभी को पंचायत कार्यालय में नियुक्ति दी जाएगी। इसी उम्मीद से ये सभी संचालक लगातार काम करते रहे, लेकिन अब चुनाव से पहले सरकार ने ग्राम पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के करीब 60,000 पदों को भरने का फैसला कर लिया है। सरकार के इस फैसले से ये सभी CSC संचालक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार की सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में हम लोग पूरा साथ देते हैं। सरकार का सभी की सरकारी योजनाएं आती हैं, वो CSC के माध्यम से ही संचालित की जाती है। हम लोग यही चाहते हैं कि इस मौजूदा भर्ती में हम लोगों को प्राथमिकता दी जाए, अथवा प्राथमिकता न देने पर वेतन ही दिया जाए, यही हम लोगों की। तो क्या इसके लिए आप अभी DM साहब के पास अपना ज्ञापन देने जाएंगे? जहां एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार नौकरी का शगुफा छोड़कर युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिशों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब CSC संचालक सरकार के लिए कहीं न कहीं दिक्कत का सबब बनते जा रहे हैं। ये खबर हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख, लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।